कुछ ही सालों पहले आई फिल्म उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक तो आप सभी को याद ही होगी। उस फिल्म के निर्देशक थे आदित्य धर और इस फिल्म की लीडिंग लेडी थी यामी गौतम। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफी ज्यादा सफल रही थी और इसी फिल्म के बाद आदित्य धर और यामी गौतम ने शादी कर ली थी। अब इसी जोड़ी की ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट पर एक और फिल्म आ रही है, आर्टिकल 370। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह फिल्म जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की हटने की पीछे की कहानी है। इस फिल्म के ट्रेलर में वो सब कुछ दिखाया गया है जो पिछले कुछ समय में मीडिया में हेडलाइंस बनी हुई थी। इस फिल्म में हर उस किरदार को दिखाया गया है जो आर्टिकल 370 हटने के समय चर्चा में रहे थे, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कश्मीरी नेता फारूख अब्दुल्ला। देश के सबसे खूबसूरत हिस्से कश्मीर से जुड़ी धारा 370 की ज्वलंत मुद्दे पर बनी फिल्म आर्टिकल 370 का ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग दिख रहा है। इस फिल्म को आदित्य सुहास जांभले ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म के लीड रोल में है यामी गौतम। इस ट्रेलर में यामी एक NIA ऑफिसर की भूमिका में दिख रही है, जिन्हें कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद शांति बहाल करने के साथ साथ आतंकवादियों के मिशन को फेल करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। ट्रेलर की शुरुआत कश्मीर घाटी के नजारे से शुरू होती है। यामी गौतम की झलक के साथ बैकग्राउंड से एक आवाज आ रही है, कश्मीर इज अ लास्ट केस मैडम, जब तक ये स्पेशल स्टेटस है हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर प्रिया मनी दिखती है और उनके सामने यामी गौतम कहती है वो हमें आर्टिकल 370 को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। इसके बाद हाथ में बंदूक लिए गुंडागर्दी के लिए तैयार कुछ लड़के नजर आ रहे हैं और एक शख्स कहता है ये बाजी खून की बाजी है और हर घर से निकलेगा बुरहान, तुम कितने बुरहान मारोगे। इसी के साथ एक धमाका होता है जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फारूख अब्दुल्ला के उन महत्वपूर्ण बयानों को दिखाया जाता है जो कि उस समय में काफी लोकप्रिय हुए थे। जहां PM नरेंद्र मोदी के किरदार में रामायण के राम अरुण गोविल दिख रहे हैं, वहीं गृह मंत्री अमित शाह के किरदार को किरण कर्माकर निभा रहे हैं। लेकिन इस फिल्म के लीडिंग कास्ट में यामी गौतम और साउथ की एक्ट्रेस प्रियमणि ही दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में हुए इंसर्जेंसी और आर्टिकल 370 के हटने पर वैसे तो कई डॉक्यूमेंट्रीज अब तक बन चुकी है, लेकिन यह पहली बार हो रहा है जबकि फीचर फिल्म इसी टॉपिक पर आ रही हो। अगर इस फिल्म में कुछ नया ना भी दिखाई जाए तो भी चलेगा, लेकिन अगर फिल्म की ट्रीटमेंट सही हुई तो इस फिल्म को भी उड़ी जैसी सफलता मिल सकती है। यह फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। अगर आपको भी ऐसा ही कुछ लग रहा है तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। बाकी यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए और जाते जाते बेजोर फिल्म्स के इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।